गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू दिस बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल क्यू। थोड़ा लेट हो गया प्रेजेंटेशन चालू करने के लिए, क्या हो गया कि मलयालम प्रेजेंटेशन थोड़ा लेट हो गया। रियली सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन लगभग 30 मिनट रहेगा। आप थोड़ा मन खोलकर ये प्रेजेंटेशन सुनेगा तो आपका लाइफ में आज का दिन बहुत चेंज बनेगा। एंड लेट मी बेग यू पार्डन, पहले मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा, मैं केरला से हूँ, मैं आप लोगों से बात कर कर ही मैंने हिंदी सीखा हूँ, इसके वजह से कुछ गलती हो गया तो माफ करना। राइट, रॉयल क्यू इंटेलिजेंट क्वालिफिकेशन रोबोट, एक रोबोट का क्या है कि मतलब क्या है कि ये एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ट्रेड करने के लिए हमें सहायता करने वाला एक रोबोट है। उसका मतलब क्या है कि आज के तरीके में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बहुत फॉरवर्ड चलता है, यानी आज वर्ल्ड में ही क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत बूम हो गया है और एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका है। यानी लोगों तो बहुत ज्यादा लोगों का वर्ल्ड का सभी कोनों से लोगों तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दिमाग चलता है और उसमें से पैसा कमाने की रास्ता देखता है, क्योंकि वहां तो बड़ा पैसा हमें मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी अभी तो बहुत ज्यादा कंट्रीज में अभी तो लीगल हो गया, बहुत एक कंट्री में उसका इक्वलेंट टू देयर मनी, उसका मतलब इट्स बिकेम ए लीगल टेंडर इन सर्टेन कंट्रीज। यूएस जैसे कंट्रीज में वहां तो एटीएम हो गया, क्रिप्टो करेंसी का एटीएम भी चालू हो गया, और बैंक जो है, बैंक का मेन बिजनेस वो तो क्रिप्टो करेंसी का कस्टोडियन हो गया। राइट, हु इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन, राइट, सो कस्टोडियन हो गया। ऐसा वो हिसाब से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री अभी बहुत आगे जाने वाला है, उसमें बहुत बड़ा मौका है ट्रेडिंग का, और उसमें पैसा का माना कम मौका है वो मौका। फाइन, वो मौका हम ऐसे हासिल करेगा, वही हमारा आज का डिस्कशन। ये मौका में हमें जो पीछे गिरता है कौन क्या जो है कि पहले तो बहुत सारे लोग सोचता है कि क्रिप्टो करेंसी वो क्या है, वो उसके बारे में मुझे उतना मालूम नहीं है, वो उसके कौन सा कॉइन में ट्रेड करना, कहाँ ट्रेड करना, किस तरीके से ट्रेड करना, उसके बारे में मेरा इंफॉर्मेशन बहुत कमी है, वो एक रीजन होता है वो हमें हमारे लिए दैट मीन्स इट कैन बी ए व्हाट टू से हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल रहेगा। दूसरा क्या है कि ये मार्केट तो 24 आवर्स का मार्केट है, 24 आवर्स हम इसमें काम करना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है कि हमारा तो और कुछ काम नहीं हो जाएगा, वो एक चीज है। ये मार्केट है वो हम जाकर मार्केट कहाँ जाकर करना है उसके बारे में मालूम नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो वो सभी के लिए आपके लिए सोल्यूशन होगा। ये प्रेजेंटेशन आप सुनेगा तो आपको पूरा आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। तो हमारा डिस्कशन ये चलता है, ये क्या है रॉयल क्यू, व्हाट इज रॉयल क्यू। रॉयल क्यू इज ए एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है। वो मोबाइल एप्लीकेशन हमारा जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकता है, ऐसा वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने वाला कंपनी है रॉयल क्वालिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी तो रजिस्टर किया है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में ये रजिस्टर किया वाला कंपनी है। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 13th of May 2021 में, एक कंपनी रजिस्टर हो गया है। इसका हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में, उसका हेडक्वार्टर्स है, और इसका जो ऑनर है यानी कि उसका मैनेजमेंट है चिकुंग ओवांग बोलकर, एक चाइनीज आदमी है इसका, इसमें बेसिकली चाइनीज ओरिजिन वाला एक आदमी है। ये स्टार्टअप बिजनेस इन सिंगापुर, एक्चुअली ये बिजनेस उसने चालू, ये लोगों ने चालू किया 2017 से है, लेकिन ऐसा एक एक्सपेंशन, ग्लोबल एक्सपेंशन के हिसाब से ये कंपनी में रजिस्टर करके, यूएस में रजिस्टर करकर उसने चालू किया है 13th of May 2021 में ही चालू किया है। अभी इतना छोटा टाइम पे इसका ये चालू करने का उसका मकसद ये है कि एक क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा फ्यूचर है, साधारण जन लोगों को इसमें कैसा ट्रेडिंग करना है वो बहुत मालूम नहीं है, तो साधारण आदमी भी, आम आदमी भी उसमें आकर ट्रेडिंग करने के लिए उसको सहायता करने के हिसाब से एक सिस्टम उसने बनाया है। ये सिस्टम के ऐसा बनाया है कि इसमें से बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर भी अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकता है, यानी जिनको कुछ भी नहीं मालूम है वो भी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसे वाला एक सिस्टम उसने, विन विन सिचुएशन वाला एक सिस्टम उसने डेवलप किया है। ये चालू होकर अभी तो एक महीना ही हुआ है,
ऑलमोस्ट इसका प्रमोशन चालू होकर लगभग 2 महीना हुआ होगा, एक टाइम के अंदर 15 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस अभी हुआ है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इटली, इंडिया, घाना, कोरिया, मालदीव्स, थाईलैंड, बांग्लादेश, ऐसा 15 कंट्रीज में अभी हुआ है और अभी एक्सपेक्ट करता है अगला 6 महीने में 30 राज्यों में इसका प्रेजेंस हो जाएगा और एक साल के अंदर कम से कम 100 राज्यों में इसका प्रेजेंस हो जाएगा, यही कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट करता है कि अभी एक साल के अंदर $1 बिलियन लोगों को देना है या लोगों को कमाने के लिए उसको मदद करना है, इसका दैट्स अ विजन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है बाइनेंस। बाइनेंस मतलब बाइनेंस इज द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है बाइनेंस। Binance was founded in 2017 में शुरू किया था, लेकिन 3 साल में 2020 होने के अंदर वो वर्ल्ड का द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया। 180 कंट्रीज में उसमें काम करता है, लगभग $3 trillion का बिजनेस वहां उसमें चलता है, एक्सक्लूडेड $3 trillion। यानी उसका मतलब क्या है कि सिर्फ बिनेंस में जो ट्रेडिंग होता है, एक्चुअली नैसडैक में शेयर में होने के से ज्यादा ट्रेड अभी तो बिनेंस में होता है, ऐसा वो लेवल पे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री आ गया है। और ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और दूसरा क्या है कि 24 आवर्स 365 डेज ये काम करता है और 24 आवर्स 365 डेज काम करने के टाइम पर हर दिन 2,10,000 के ऊपर बायर्स एंड सेलर्स उसमें आता है। 180 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है, 180 कंट्रीज का लोग इसमें ट्रेडिंग करता है एंड इसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग पेयर्स बाइनेंस में है। इसकी वजह से बाइनेंस इज नोन एज द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। मतलब बाइनेंस के अलावा अभी भी है क्यूबोई ग्लोबल, वो भी एक कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दूसरा कॉइन बेस है, कैरेक्टर है, ट्रैकन है, क्यूकॉइन है, ये सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हो गया तो भी इसमें से बेहतरीन सिस्टम तो बाइनेंस का है क्योंकि इतना टर्नओवर करने की वजह से उसका जो सिस्टम जो है वो बहुत हेल्पफुल है, यानी आम आदमी भी कर सकता है ऐसा वाला है और उसका सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा है। और ये तो इंटरनेशनल एक्सचेंज होने की वजह से जहां तो ट्रेडिंग होता है यूएसडीटी के ऊपर ही ट्रेडिंग होता है, तो यूएसडीटी में ट्रेडिंग करने के लिए हमारे क्या फायदा है, हमारा करेंसी में ट्रेडिंग करेगा तो क्या है कि उसका भाव तो बढ़ता नहीं है, उसका भाव तो आज क्या है वही भाव है एक साल के बाद भी। लेकिन यूएसडीटी में क्या होता है कि यूएसडीटी का भाव भी बढ़ता है। अब छोटा अमाउंट में हम यूएसडीटी परचेस कर एक्सचेंज में जाकर दूसरे क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से उसमें ट्रेडिंग कर उसमें हमारा यूएसडीटी का नंबर्स बढ़ेगा, तो जब हम बेचता है हमें ज्यादा अमाउंट होने के टाइम पर बेचेगा तो वहां भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसकी वजह से यूएसडीटी में ट्रेड करने की वजह से इंटरनेशनल एक्सचेंज अच्छा है। दूसरा क्या है कि इतना ज्यादा लोग वहां ट्रेडिंग करने की वजह से कितना भी बड़ा अमाउंट का बिजनेस है तो भी बहुत आसानी से कर सकता है क्योंकि बायर्स रहेगा, बहुत सारा बायर्स रहेगा और सेलर्स भी रहेगा, बाय करने के लिए भी तेज में हो जाएगा, वेटिंग करने की जरूरत नहीं होगा, सेल करने भी बहुत तेज में होगा, वेटिंग करने की जरूरत नहीं होगा। तीसरा चीज क्या है कि ये तो इंटरनेशनल एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ तो इंडियन रूल्स के नहीं, किसी राज्य के रूल्स नहीं होगा, इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार वो चलेगा। तो और वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, उसमें बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पेयर भी ट्रेडिंग होता है। अब क्रिप्टो करेंसी का बोलेगा तो बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन, पहले तो शुरुआत में एक ही करेंसी था, मैंने पहले सुनने के टाइम पर बिटकॉइन सुना था 2012 में। 2012 में मुझे एक दोस्त ने मुझे बताया कि क्या बिटकॉइन के बारे में बताया, उसी टाइम पर उसने बोला 200 रुपया ही डिजिटल करेंसी है, ये सभी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर हम ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा वाला एक करेंसी आया है, वो करेंसी मुझे सर अब ले लो, ऐसा बोला। मैंने बोला ऐसा वाला करेंसी मुझे नहीं चाहिए, आप थोड़ा दिखाइए मुझे करेंसी, तो वो दिखा नहीं सकता, वो वैलेट पे रहेगा, वैलेट का रहेगा, वैलेट तो इंटरनेट में रहेगा, ऐसा वाला करेंसी मैं कैसे मैं हैंडल करूंगा, मैं क्या करूंगा उसे, नहीं नहीं वो बहुत ट्रेंड होने वाला है, कितना का कीमत है उसका, 200 रुपये है एक करेंसी के लिए। मैंने बोला अरे पागल है क्या, ये 200 रुपये देकर जो करेंसी हम देख भी नहीं सकते है, हमका हमारे भाग में भी नहीं रहेगा। अब बोलता है कि आज वर्ल्ड में चेंज हो जाएगा, क्या होने वाला है, ऐसा बोलकर क्या हो गया, 2016 में आई बॉट द पहला बिटकॉइन, मैंने परचेस किया 2016 में, मैंने परचेस किया 32,000 में परचेस किया,
फिर मैंने उसको बेचो 1,85,000 वो रेंज में मैंने उसको बेचा है। और उसके बाद ये बेचने के बाद मैंने वो वेट करता था दोबारा 1,80,000 में उसका रेट थोड़ा कम हो गया, तो परचेस करने के लिए रेट तो कम हो गया क्योंकि लेकिन उसका रेट तो 14,00,000 तक गया, उसके बाद थोड़ा कम हो गया, फिर भी 2,00,000 के ऊपर ही रहा। फिर मैंने सोचा आएगा आएगा आएगा, लेकिन धोखा है। पिछले साल देखने के टाइम पर उसका कीमत तो 8,00,000 हुआ और ये साल फरवरी में उसका कीमत तो 60,00,000 हुआ, 60,00,000 हो गया और फिर वो नीचे आ गया। फिर भी हमारा जो रेट है 1,80,000 पर नहीं आया, फिर भी वो आ गया है 30,00,000 तक आ गया है। और ऐसा बोलते हैं कि और थोड़ा कम आने के बाद फिर दूसरे जाए ऊपर जाएगा टिल 1,00,00,000 तक वो जाएगा, ऐसा बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। ये वोलेटिलिटी को एनकैश कर सकता है तो वो एक बिजनेस होता है, छोटा अमाउंट पे हम परचेस कर सकता है और बड़ा अमाउंट पे बेच सकता है, उसको बोलता है हम ट्रेडिंग बोलता है। एक क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री में बेनिफिट क्या है कि यहाँ तो जो हम ट्रेडिंग करता है उसमें कैश मार्केट में हम ट्रेडिंग करेगा। कैश मार्केट का मतलब क्या है कि हमें जो कैश देकर जो परचेस करता है वो हमारा हो गया, वो उसका मतलब वो उसमें हम मार्जिन देकर ट्रेड करने की सिस्टम नहीं है पूरा, तो हम कैश लेकर पूरा माल तो लेने वाला सिस्टम है। ऐसे मैंने लेने वाले सिस्टम में हम देखेगा तो मार्केट तो हर 15 मिनट में ऊपर नीचे होता है, 15 मिनट में नहीं हर सेकंड में मार्केट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन 15 मिनट में अच्छा चेंजेस होता है मार्केट पे, उसको हम हासिल कर सकता है तो हमें पैसा कमा सकता है। इसको हमें मदद करने वाला एक रोबोट है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू का बेनिफिट, रॉयल क्यू क्या करेगा कि रॉयल क्यू एक्चुअली इट्स एआई इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट किया वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये रॉयल क्यू। ये हमारे बिनेंस का एक्सचेंज नहीं तो क्यूओबी एक्सचेंज जो भी हमें अकाउंट है वो अकाउंट में उसका जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करके एपीआई के माध्यम से वो एक्सचेंज और रॉयल क्यू को हम बंद कर सकता है। ऐसे बंद करेगा तो हमारे हमें जो इंस्ट्रक्शन देता है वो हिसाब से हमारे लिए हमारे बदले वो एप्लीकेशन रॉयल क्यू एप्लीकेशन वो एक्सचेंज में हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग करेगा। हम जो पैसा वहां रखेगा तो हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए उसको जिम्मेदारी देगा, तो वो क्या करेगा हमारे लिए बाय और सेल करेगा। वो बहुत एआई इंटीग्रेटेड होने की वजह से वो प्रिसाइसली करेगा और जितने स्क्रिप्ट के ऊपर करना है वो भी करेगा। हम तो मैनुअली करने के टाइम पर एक स्क्रिप्ट पे होकर करने के लिए भी टाइम लगता है क्योंकि कंप्यूटर देखना है, उसका रेट फिक्स करना है, बाय करना है या सेल करना है, कौन सा रेट पे करना है, वो पूरा करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ तो इसके लिए कैसा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एआई इंटीग्रेटेड रोबोट होने की वजह से वो जब जो भी रेट बोलता है वो रेट पे तुरंत वो सेल करेगा, नहीं तो बाय करेगा, वो भी करेगा और 24 आवर्स काम करेगा। हम तो 24 आवर्स काम नहीं कर पाएगा, हमें सोना भी चाहिए और हमें खाना खाना चाहिए, लोगों को बात करना चाहिए, फोन बात करना चाहिए, ये सभी करने के बाद जो बचाई मिलता है वही ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ रोबोट होने की वजह से उसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, 24 आवर्स 365 डेज वो काम करेगा। ये वर्क्स ऑन क्वांटिफिकेशन थ्योरी में काम करेगा। और दूसरा क्या है कि उसका डिसिप्लिन ट्रेड करेगा। डिसिप्लिन ट्रेड का मतलब क्या है कि हम मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए गए तो क्या होगा, 1,00,000 रुपए के लेकर ट्रेडिंग करने के लिए जाएगा तो पहले तो हम क्या करेगा 10,000 रुपए वो बेचेगा, बेचने के लिए वो कैलकुलेट करने के टाइम पर यहाँ पूरा रखता है इसका डिटेल्स रखेगा। उसने कहा एवरेज प्राइस है 0.07019, उसने टेक प्रॉफिट क्या देखने वाला है 0.0711 और वो 0.0711 होने के टाइम पर रेडी हो गया। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसके पीछे जाएगा, जब मार्केट 0.3% नीचे आता है उसी टाइम पर बेचेगा, वो उसका काम हो गया। और अभी को क्या करना है दोबारा 10 डॉलर के लिए परचेस करेगा, उसमें हम साइकिल चुनाए हैं तो साइकिल है तो दोबारा 10 डॉलर के लिए परचेस करेगा और क्या करेगा दोबारा यही काम रिपीटेडली करेगा अनलिमिटेड टाइम, जितना भी हो सकता है उतना टाइम वो करेगा 24 आवर्स 365 डेज। तो हर बार करने के टाइम पर क्या होगा, हमारा एक्सचेंज में यूएसडीटी देकर क्रिप्टो करेंसी का लेता है, क्रिप्टो करेंसी का भाव बढ़ने के टाइम पर वो बेचता है, दोबारा लेता है बेचता है, तो हर बार लेने बेचने के टाइम पर हमारा यूएसडीटी का जो अमाउंट जो है नंबर ऑफ यूएसडीटी ज्यादा बढ़ता है। राइट नाउ अभी हमारे सोच में ये आ जाएगा, मार्केट तो ऐसा है कि मार्केट नीचे भी आएगा तो क्या करेगा, मार्केट नीचे आने के टाइम पर ये कॉल यहाँ तो आप देखेगा तो नंबर ऑफ कॉल मार्जिन है 4 बार, ये तो 4 बार कर सकता है, 10 बार कर सकता है, कितना बार हमें चाहता है उतना कर सकता है। लेकिन यहाँ तो सेट किया है डिफॉल्ट सेटिंग तो 7 बार है, मैंने सेट ये इसमें सेट किया है 4 बार सेट किया है। 4 बार सेट इसलिए किया है कि मार्केट का एवरेज फॉल हम देखेगा, एवरेज फॉल देखेगा तो लगभग 20% 15 से 20% का होता रहता है। वो हिसाब से पहले जब मार्केट 3.5% आता है
एक बार परचेस करना है, जो सेकंड कॉल 4% आने के टाइम पर दोबारा परचेस करेगा, तीसरा 4.5% आने के टाइम पर दोबारा परचेस करेगा, 9.2% होने के टाइम पर दोबारा परचेस करेगा, वो कितना परचेस करेगा वो भी इसका मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ डाल सकता है, पहले अमाउंट पे कितना परचेस किया उसका मल्टीप्लीकेशन वो हमें, वो भी हम चेंज कर सकता है। हमें यहाँ तो 2 का मतलब है $10 पे परचेस किया, वो $20 पे दोबारा परचेस करेगा, तो वहां भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेगा। कैसा है कि ये 3.5% हो गया तो उसने कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस कैलकुलेट कर रखेगा, लेकिन वो दोबारा परचेस नहीं करेगा। मार्केट नीचे जाता है तो उसके साथ नीचे जाएगा, जब मार्केट बाइंग कॉल बैक 0.5% मार्केट ऊपर आता है उसी टाइम पर परचेस करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि और मार्केट ऊपर गया तो 1.3% का प्रॉफिट हो गया, तो उसका प्रॉफिट में क्लोज कर सकता है। ऐसे को प्रॉफिट क्लोज करेगा तो वो नीचे का रेट से वो दोबारा $10 के लिए परचेस कर दोबारा यही काम चालू करेगा। तो जितने दर वो जितना नीचे जाता है उतने वो हिसाब से एवरेज कर जाएगा। एवरेज कर जाने के टाइम पर क्या होगा, हमारा एवरेज प्राइस कभी भी कम ही रहेगा। नीचे जाने के टाइम पर ज्यादा परचेस कर एवरेज रेट को कमी कर एवरेज रेट कभी भी हमारा कम ही रहेगा। उसका पूरा डिटेल्स हमें मिलेगा, जो जितना बड़ा परचेस किया है, कौन सा रेट पे परचेस किया है, अभी कितना नंबर ऑफ कॉल्स हुआ है, अभी उसका रिटर्न रेट क्या है, ये पूरा देखने क्या है सिस्टम्स हमारे लिए अवेलेबल है, कौन सा ट्रेड है हम ट्रेड करता है उसका अभी का पोजिशन क्या है, और उसमें से कितना रेवेन्यू हमें मिला है, कौन सा ट्रांजैक्शन हमें किया है, ये पूरा हमें देख सकता है, ऐसा वाला सिस्टम उसने किया है। तो हमें ये देखना है इससे क्या बेनिफिट होता है। मैं ये बताता हूँ कि इसका बेनिफिट ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो जाएगा मार्केट, तो उसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ ट्रेड ज्यादा हो जाएगा, तो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड ज्यादा होने के टाइम पर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। मार्केट नीचे जाने के टाइम पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ ट्रेड यानी वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वॉल्यूम के ऊपर नंबर ऑफ ट्रेड्स कमी रहेगा, तो भी वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से जब ट्रेड होता है उसी टाइम पर बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट साइडवेज जाएगा तो थोड़ा दिन के लिए हमें साइडवेज, कभी भी 100% मार्केट का कोई बिना मूवमेंट एक दो दिन रहेगा, फिर मूवमेंट चालू हो जाएगा, मूवमेंट चालू होने के टाइम पर दोबारा हमें प्रॉफिट आने चालू हो जाएगा। वैसे प्रॉफिट बनाकर क्या बेनिफिट हमें मिलता है, मेरा एक्सपीरियंस में बताऊं, मैंने 21 तारीख में इसमें मई 21 मई को मैंने इसमें जुड़ा, जो परचेस किया मैंने, ये एप्लीकेशन मैंने परचेस किया, सब्सक्राइब किया और मेरा ब्रांच अकाउंट से लिंक किया और मैंने $300 पे ट्रेडिंग चालू किया। $300 पे ट्रेडिंग चालू करके फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाकर टोटल मैंने किया है $1,500 के आसपास हो गया। अभी $1,500 मेरा ब्रांच अकाउंट पे, इतना 27 दिन में मेरा प्रॉफिट देखेगा तो लगभग $170 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब क्या है कि 1,400 में $170 का प्रॉफिट 27 डेज में मिला है, तो उसका मतलब है 10% के ऊपर प्रॉफिट मिला है। मानकर सर ये मार्केट में हमें क्या मिलता है, एक साल में 6% मिलता है बैंक में डिपॉजिट करेगा तो, अभी हमने म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कुछ करेगा तो हमें मिलता है 1.5-2% महीने में मिलता है। यानी यहाँ तो हमें महीने में 5% मिलेगा तो भी बहुत हो गया, यहाँ तो एवरेज तो हमें मिलता है 10 के ऊपर मिलता है, लेकिन मार्केट का कंडीशन के हिसाब से इधर उधर जा सकता है, फिर भी अंदर समय एक्सपेक्ट कर सकता है कि 5-10% प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकता है। तो वो इसके बिजनेस के लिए हम क्या करना है, हमारा काम तो इतना ही है, हमारा जो यहाँ तो ये बिजनेस में क्या है कि हमारा जो दोस्त है उसने क्या करेगा, हमारे एक लिंक भेजेगा, उसमें बिनांस का भी लिंक रहेगा, रॉयल क्यू का भी लिंक रहेगा, वो लिंक में क्लिक करेगा तो बिनांस में फ्री अकाउंट हम क्रिएट कर सकता है और रॉयल क्यू में भी अकाउंट कर सकता है। उसके लिए हमें चाहिए ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर हमने अकाउंट चालू किया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम क्या करना है, उसका वो दोनों का मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, प्ले स्टोर में नहीं तो ऐप स्टोर में जाएगा तो मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, दोनों मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना, उसको दोनों को कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करना, बैलेंस का अकाउंट ओपन करना, अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ मोर रहेगा, उसमें क्लिक करेगा तो यहाँ तो एपी मैनेजमेंट रहेगा, एपी मैनेजमेंट ने क्रिएट करेगा तो एक क्रिएट एपी बनेगा, एक लेबल भी आएगा, वहां तो हमारा रॉयल क्यू का हमें मालूम होने के लिए रॉयल क्यू का नाम डालना है, और क्रिएट एपी में हम क्लिक करेगा तो मोबाइल वेरिफिकेशन पूछेगा और मेल वेरिफिकेशन पूछेगा, वो दोनों के लिए एक कोड डालना है, वहां तो क्लिक कर वो कोड दोनों कोड मोबाइल पे जो आया वाला कोड और फोन पे जो आया वाला कोड यहाँ डालना है, डालने के डालेगा तो यहाँ तो हमें एपीआई की और सीक्रेट की मिलेगा,
उसने सीक्रेट की एक बार के लिए मिलेगा, इसकी वजह से पहले तो सीक्रेट की कॉपी करना, कॉपी कर रॉयल क्यू का एप्लीकेशन खोलना, वहां तो एपीआई बाइंडिंग का एम्प्लम रहेगा, उसमें क्लिक करना, बिनान सेलेक्ट करना, बिनान सेलेक्ट करने के बाद ये आएगा यहाँ तो सीक्रेट की यहाँ पेस्ट करना, वापस वापस जाकर वहां से एपीआई की कॉपी करना, कॉपी कर वो तो एपीआई के जगह पर पेस्ट करना, और सेंड क्विक करेगा तो मेल पे कोड आएगा, वो कोड तो यहाँ डालकर यहाँ तो ये इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर बाइंड करेगा तो हमारा काम हो गया, हमारा बिनान्स का अकाउंट और हमारा रॉयल क्यू का एप्लीकेशन दोनों बंद हो गया है। यहाँ तो बिनान्स तो बहुत पावरफुल है, उसका सिक्योरिटी बहुत कठिन है, इसके वजह से ये इसको परमिशन देगा, रॉयल क्यू को परमिशन देगा सिर्फ बाई करने के लिए, सेल करने के लिए और व्यू करने के लिए, अलावा वहां से कैश विड्रॉ करने के लिए परमिशन नहीं देगा। तो ये हम आराम से बैठ सकता है क्योंकि इसको पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, वो तो सिर्फ बाई और सेल ही कर सकता है। तो यहाँ तो बाई और सेल करने के लिए हमारे पास यूएसडीटी होना चाहिए, तो हम क्या करना है, बिनान्स में जाएगा तो पी टू पी ट्रेडिंग में क्लिक करना, बिनान्स में वेरिफिकेशन करना जरूरी है, वेरिफिकेशन के लिए हमारा आईडी प्रूफ क्या चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, पैन नंबर चाहिए, इतना चीज और फोटो चाहिए, और हमारा एक फोटो फिजिकल फोटो भी वो लेगा, वो लेने के बाद वेरिफिकेशन पूरा हो गया तो हम पी टू पी में परचेस कर सकता है। पी टू पी में क्लिक करेगा तो वहां तो बहुत लोग रहेगा यूएसडीटी बाई करने के लिए, यहाँ तो कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेगा तो इंडियन रुपीस में आएगा, वो तो दूसरा कंट्री सेलेक्ट करेगा तो वो करेंसी पे आएगा, वहां तो क्लिक कर हम बाई करना है, जो भी नाम पे हम रजिस्टर किया है वही नाम से पैसा ट्रांसफर करना है, वो अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफर करना है, पैसा ट्रांसफर कर हम बाई कर सकता है, पैसा ट्रांसफर हो गया तो वो जिसको हमने ट्रांसफर किया वो हाँ बताएगा तो बिनान्स वहां से उसका अकाउंट से हमें यूएसडीटी देगा। वैसे हमें सेल करना है तो भी यहाँ से सेल कर सकता है, हमें पैसा मिला, हमें ट्रेडिंग कर प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट को बेचना है, यूएसडीटी बेचना है तो हम यहाँ सेल में गया सेलेक्ट करना, सेल में सेलेक्ट करेगा तो जो परचेस करने के लिए लोग रहेगा उसको हम क्या करेगा, सेल डालेगा तो हम वो हमें पैसा मिला देगा, हमारे जो अकाउंट बोलेगा तो उसमें पैसा देगा, पैसा देगा तो मिल गया तो कंफर्म करना है, कंफर्म करेगा तो हमारे वैलेट से वो यूएसडीटी बिनान्स उसको देगा, वही हिसाब से हम पैसा इसमें ये कर सकता है। और ये इसमें ये रोबोट में हमें बिजनेस करने के लिए हमारे एक वैलेट रहेगा, ये वैलेट एक क्यों ये वैलेट रखता है मैंने बताया कि हमें ये इसमें कनेक्ट कर सकता है, कनेक्शन के बारे में पूरा बताया, इसमें क्या हमें एक क्वेश्चन आता है मन में, ये सभी ठीक है इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होगा, ये रोबोट तो बराबर काम करता है यानी 24 hours 365 days काम करता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा होगा ना, क्योंकि हमें एक आदमी को सैलरी देकर ट्रेडिंग करने के लिए देखा तो भी कम से कम डे टाइम में ट्रेडिंग करने के लिए 10,000 rupees महीने में देना पड़ता है, वो तो 24 hours कर रहा है तो ज्यादा देना पड़ता है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है यानी रोबोटिक एप्लीकेशन सभी आया है मार्केट में, उसमें वो मांगता है 45,000 rupees चाहिए एक साथ, नहीं तो हर महीने तो $100 देना चाहिए, ऐसा वाला कुछ, ऐसा वाला बहुत महंगा है क्या, नहीं, यहाँ तो रॉयल क्यू का रॉयल क्यू नॉर्मल आदमी के लिए आम आदमी के लिए उसने लेकर आया है, यहाँ तो ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर के लिए एक साल के लिए हम सब्सक्रिप्शन चार्जेस देना है सिर्फ $100 एक साल के लिए, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए सिर्फ $100 ही देना है, फिर क्या देना है, हम एक आदमी को रेखा तो उसको भी थोड़ा इंसेंटिव दे सकता है ना, वैसे यहाँ भी हम जब प्रॉफिट बनता है ये बिजनेस करके जब हम प्रॉफिट बनता है प्रॉफिट में 80% हम रखकर 20% उसको देना है, जब हम प्रॉफिट लेता है उसी टाइम पर 20% देना है, ये पैसा वो हमारा वैलेट से नहीं ले सकता है भाई, नहीं बिनान से नहीं ले सकता है, इसकी वजह से उसका एप्लीकेशन में हमारे लिए एक वैलेट देगा, वो वैलेट में हम क्या कर सकता है, डिपॉजिट में क्लिक करेगा तो एड्रेस मिलेगा, हमारा बिनान्स अकाउंट से यहाँ से $120 हम ट्रांसफर करना है, $120 में $100 से हम ये सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, $20 वहां देखेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट बनता है बिनान्स में उसी टाइम पर उसका जो डिटेल्स पूरा यहाँ मिलेगा, जितना बाई किया है जितना प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट का 20% हमने जो यहाँ डिपॉजिट किया वो $20 से वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लेगा, और जब उसका अमाउंट जो $10 हो जाएगा हमें रिमाइंड करेगा वो रिफिल करने के लिए, तो उसी टाइम पर हम बिनान्स से इसमें ट्रांसफर पैसा ट्रांसफर कर वो कंटिन्यू कर सकता है, तो हमारा जो खर्चा होता है हमारा बिनान्स अकाउंट में हमारा जो पैसा चाहिए उतना पैसा हम डाल सकता है, जो हमारे लिए ट्रेडिंग करने के लिए रोबो को हम ले सकता है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस सिर्फ $100 एक साल के लिए, और $100 एक साल के लिए देने के बाद हमें जो देना है वो हमारा जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट का 20% कैपिटल का नहीं प्रॉफिट का 20% उसको देना है,
तो प्रॉफिट बनता है, बनने के टाइम पर ही दे रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली वो लेगा, और वो हमें $10 के बाद पूछने के टाइम पर उसका मकसद है कि हमारे अकाउंट में $50 का प्रॉफिट हुआ है, $50 का 20% ही $10 उसको लेना है, तो मतलब हमने $50 का प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट से थोड़ा उसको पैसा दिया तो ठीक हो गया। तो ये सभी एक इसका चीज तो बिजनेस तो ऐसा होता है, तो हमारे लिए और कुछ फायदा है वही हम सुनना चाहता है। यानी हमारे जो सिस्टम कैसा है कि हमें जो किसी चीज कर हमें कुछ फायदा मिलेगा तो जरूर हमारा एक सिस्टम ऐसा है 10 लोगों को बताएगा, नहीं तो हमें नींद नहीं आएगा। जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ आप देखते हैं ना फेसबुक में, जब हमारा ब्रोकर होता है, हमारा कुछ अचीवमेंट होता है, किसी भी होने के टाइम पर हम पूरा लोगों को बताएगा कि हमारा ऐसा हुआ है। तो हमें सोच लीजिए जहां मार्केट में हमें यानी हमारे लिए बैंक में पैसा डालने का तो 1 साल में 6% मिलता है, उसमें 2% मिलता है म्यूचुअल फंड में डालकर, यहाँ तो हमें 5% मिलेगा, तो 10 लोगों को बोलना चाहिए। तो 10 लोगों को बोलने के टाइम पर वो सोचिए पूछेगा अरे भैया ये कैसा किया आपने, और तो हम बोलेगा एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर मुझे मिला है, वो रोबोटिक सॉफ्टवेयर मैंने अटैच किया और वो रोबोटिक सॉफ्टवेयर ट्रेड करता है, इसकी वजह से मैं पैसा कमाता है। तो तुरंत उसने पूछेगा अरे वो कहाँ से मिलेगा, मुझे भी चाहिए। तो हमारा सोच ऐसा आता है, ऐसा उसको रेकमेंड कर क्या फायदा है, हमें कुछ मिलेगा क्या, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में हम मालूम होने के बावजूद भी किसी को बताता नहीं है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ तो रॉयल क्यों कैसा किया है कि रेफरल का सिस्टम किया है। जैसे हमें मालूम है फोन पे गूगल पे सभी मालूम है, वो गूगल पे फोन पे सभी कैसा करता है, जैसे हमारा क्रिप्टो करेंसी का बैंक बाइनेंस हमारा जो ट्रेडिंग करने वाला एप्लीकेशन में एक पे से बाइंडिंग करता है, वैसा ही यूपीआई के माध्यम से ये गूगल पे नहीं तो फोन पे हमारा बैंक अकाउंट में बाइंडिंग कर जो हम बोलता है वैसा वाला काम करने का करता है, वैसे यहाँ भी बाइंडिंग किया है। लेकिन वो गूगल पे मार्केटिंग करने के लिए क्या किया, तो हमें मालूम होगा गूगल के लॉन्च पर करने के टाइम पर किसी को हम रेफर कर पैसा ट्रांसफर किया तो हमें गिफ्ट मिलता है, 10 रुपया 20 रुपया ऐसा गिफ्ट मिलता था, तो लोगों को बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा रेकमेंड करने चालू हो गया, सभी को बहरा कर अरे गूगल पे ट्रांसफर कर, गूगल पे ट्रांसफर कर, क्या ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करेगा तो हमें भी कुछ पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा इसके वजह से, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो हम रेकमेंड करने के लिए तैयार है। तो रॉयल क्यू ने क्या बताया कि आप रेफर करो, रेफर करेगा तो आपको भी फायदा हो जाएगा, रेफर करने के टाइम पर कंपनी हमें क्या बेनिफिट मिलता है उसका एक पार्ट आपको भी देगा। तो हमने रेफर कर एक आदमी रॉयल क्यू में करने के टाइम पर सब्सक्रिप्शन फीस देगा $100 देगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा रेफर करने की वजह से $30 आपको मिलेगा यानी 30%। दूसरा जब वो प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बनने के टाइम पर वो हमेशा हर बार जब प्रॉफिट बनता है वो रॉयल क्यू को 20% देगा, जब वो 20% देता है उसमें से 20% जिसने रेफर किया उसको देगा। मतलब हमने किसी को रेफर किया, वो $100 देकर ये प्रोडक्ट परचेस किया, उसको सिखा कर कैसा करना है वो पूरा सिखा कर वो काम हम किया तो उसके लिए हमें मिलता है, वो जब एक्टिवेट करता है हमें $30 हमें मिलेगा, नंबर वन वो एक बार क्या। दूसरा क्या है कि उसने जब ट्रेडिंग करने के लिए हमने सीखा कैसा प्रॉफिट ज्यादा बनाना, उसके लिए हम मदद किया, हम दूसरे से लर्न कर कैसा प्रॉफिट बनाना उसके बारे में उसको सिखाया, तो वो जब प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर हमें उसने रॉयल क्यू को 20% देगा, 20% का 20% हमें मिलेगा, उसका मतलब उसका प्रॉफिट का 4% हमें मिलता है, उसने जो प्रॉफिट बनता है उसका 4% हमें मिलेगा, 20% का 20% बराबर। तो हमें क्या होगा, हम सोच लीजिए हमें कस्टमर को $100 का प्रॉफिट बनता है हर दिन, तो हमें क्या मिलेगा, $4 हर दिन मिलेगा। ऐसा वाला हमारे पास तो 10 कस्टमर है तो 10 कस्टमर $4 प्रॉफिट बनता है हमें देता है, तो मतलब वो सभी $100 का प्रॉफिट बनता है तो सभी से हमें $4 मिलेगा, 10 आदमी से $4 मिलेगा तो हर दिन तो $40 हो गया, ऐसा 20 लोग रहेगा तो $80 हो गया, $80 के मतलब है हर महीना देखेगा तो एक महीने में $2,400 हो गया, $2,400 का मतलब 2 लाख रुपया महीने में आता है। सर 20 लोगों को रेकमेंड कर जो पार्टी में होने के टाइम पर हमारा जो बेनिफिट मिला वो बोलकर लोगों ने उसमें हमारे पूछकर वो इसमें आकर वो ट्रेडिंग कर वो प्रॉफिट बनाने के टाइम पर हमें रेगुलरली महीने में इनकम आने का एक सिस्टम ने रॉयल क्यू ने दिया है। तो हमारा कुछ नहीं था, इतना ही मिलेगा क्या, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा करेगा तो क्या फायदा है। तो इसमें आंसर ये है कि आपने आपका ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर करेगा तो भी चलेगा, कम से कम 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है, बाकी तो इनडायरेक्ट हो गया तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्ट जो क्या करता है उसके लिए ही आपको इनकम मिलेगा,
फिर भी आपने टोटल 20 लोगों का आपका ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा तो आप हो जाएगा उसमें प्रमोशन, V2 का पोजीशन पे प्रमोशन हो जाएगा। V2 के पोजीशन में प्रमोशन हो गया तो आपका क्या फायदा है कि आपका आपका इनकम को बढ़ेगा, यानी जो 30% आपको दिया था वो 40% हो जाएगा, जो 20% आपको दिया था वो 30% हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा है, आपका नीचे वाला जो लोग है वो पूरा V1 पे होगा, जो V1 पे होने की वजह से उसका लाइक है 30% और 20%, इसका मतलब ये बीच में जो आता है वो 10%, दोनों गेम में 10% वो आपको मिलेगा। जितना भी लोग आपके नीचे है वो 20 लोगों कितना भी डेप्थ में हो, यानी कितना लेवल पे नीचे हो कोई बात नहीं, वो जब एक आदमी को इंट्रोड्यूस करता है उसके ऊपर उसको जब $30 मिलता है आपको $10 मिलेगा, उसको जब 4% मिलता है आपको 2% मिलेगा, यानी 30% का मतलब 20% का 30% तो 6% हो गया, उसका 4% आपका 6% है तो आपको 2% मिलेगा। तो ऐसा होकर आपने क्या करेगा, वो लोगों को मदद करना है, ऐसा वाला सिस्टम है, ऐसा आपको मिल सकता है, वो उसको सिखाएगा तो वो क्या होगा, वो भी आप जैसे 20 लोगों को इंट्रोड्यूस कर V2 होने के लिए वो प्रोसेस करेगा। 3 लोगों को आपने V2 बनाया तो आपने आपके नीचे 3 लोगों को आपने V2 बनेगा तो आप क्या हो जाएगा, आप V3 हो जाएगा। V3 हो गया तो आपको मिलेगा आपका कमीशन तो 50 और 40 हो जाएगा, 10% का इंटरेस्ट हो गया, इंक्रीज हो गया। V4 हो गया तो और 10% का इंक्रीज हो जाएगा, V5 हो गया तो और 5% का इंक्रीज हो जाएगा, V6 हो गया तो और 5% का इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा आप देखेगा तो आपको V6 में पोजीशन पे आ गया तो आप एक डायरेक्टली एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया तो आपको उसका 70% आपको उसको $70 आपको आता है, और जो ट्रेडिंग करता है उसका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट का 60% भी आपको ही मिलता है रॉयल्टी के ओर से, यानी प्रॉफिट का 20% का 60% का मतलब 12% उसने जो प्रॉफिट बनता है उसका 12% आपको मिलेगा, वो आपका डायरेक्ट का है। आपने आपके नीचे जो V1 का जो लोग है V1 से आपको मिलेगा उसका जो 30% मिलकर देकर बाकी 40% आपको मिलेगा। अब V2 के हिसाब V2 के बारे में देखेगा तो उसका लाइक है 40%, तो बीच में जो डिफरेंस है वो 30% आपको मिलेगा। V3 के बीच में जो होता है वो 20% आपको मिलेगा, और V4 से आपको 15% मिलेगा, V5 से आपको 5% मिलेगा, वो हिसाब से आपको प्रमोशन होने की वजह से आपको कमीशन मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा बनाने के लिए हमने मदद किया तो हमें क्या फायदा है कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकता है। एंड ये बिजनेस में अच्छा बात क्या है कि हमें जो पैसा मिलता है द मेन इनकम द रेगुलर इनकम कैसा मिलता है कि लोगों का प्रॉफिट के ऊपर हमें पैसा मिलता है। बाकी सभी मार्केटिंग सिस्टम में हमें क्या होता है कि हम लोगों का कैपिटल के ऊपर ही हमें पैसा मिलता है, तो उसका लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया हमें पैसा मिलेगा, लेकिन उसका लॉस हो गया तो उसका कैसा लगेगा कि ये बंदे को पैसा मिला मुझे क्या लॉस हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, जब वो प्रॉफिट बनता है तो ही हमें प्रॉफिट मिलता है, तो उसका प्रॉफिट के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है, तो हमारे जो फ्रेंड हमारे फ्रेंड को प्रॉफिट बनाने के लिए हम मदद करेगा, और हमारे जो पैसा मिलता है वो ब्लेसिंग वाला पैसा रहेगा। तो ऐसे वाला पैसा बहुत ज्यादा लोग अभी तो कमा चुका है, बहुत ज्यादा लोग अभी तो डेली $100 मिलता है, किसी लोगों को डेली $500 मिलता है, किसी लोगों को डेली $1000 मिलता है, ऐसा जो पैसा कमाने वाला बहुत ज्यादा लोग है। मैंने 21 तारीख को ये बिजनेस में आया, 21 तारीख में जाकर मैं 4 और 5 डेज में मैंने V2 बन गया, 5 डेज में V2 बन के बाद से 6 डेज में मैं V3 हो गया, वहां से 10 दिन में मैंने V4 हो गया, टोटल 22 डेज में मैंने V4 का प्रोसेसिंग अचीव किया, और इंडिया में पहला व्यक्ति हो गया जो V4 में अचीव किया। इसके वजह से मुझे इंटरनेशनल मीटिंग में एक गेस्ट के हिसाब से मुझे वो इनवाइट किया, वैसा सब मतलब बेनिफिट सभी हमें मिलता है, यानी हमें रिकॉग्निशन भी मिलता है, और अब V6 अचीव किया तो वर्ल्ड में जहां भी बिजनेस होता है जो रॉयल्टी को जो प्रॉफिट के हिसाब से जो मिलता है जो 20% उसका 5% जो भी V6 पोजीशन पे है उसको शेयर कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आपको इतना जबरदस्त एक बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिला है। इसमें कोई भी डाउट्स रहेगा तो आपको जो इनवाइट किया उससे पूछकर क्लियर कर आज ही रात हो गया तो बेटा आज ही डिसीजन लेकर आज ही बिजनेस शुरू करना, और चालू कर बहुत तेज में आपने हर पोजिशन रिकॉग्निशन पोजिशन अचीव करने के लिए प्लानिंग करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।